गुड मॉर्निंग कलीसिया, आप सभी को जय मसीह की। और आज की डिवोशन का शीर्षक है हम खास है। इसके लिए हम एक वर्ष को पढ़ेंगे, भजन संहिता का 139वां अध्याय और वचन 14 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मनुष्य की रचना परमेश्वर की सबसे उत्तम कलाकृति है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने हाथों से अपने समान और समानता में और स्वरूप में बनाया है, स्वरूप और समानता में बनाया है। इसलिए हम सभी प्राणों के, सभी जीवों के ऊपर और स्वर्गदूतों के ऊपर है। उत्पत्ति 1:27 में इसके विषय में लिखा है। लेकिन शैतान कभी कभी हमारे मन में गलत सोच डाल देता है, हमारे जीवन में निराशा भेजता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कमजोर हैं, हम हारे हुए हैं, इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। ये विचार हमारे मन में डालता है। इस कारण बहुत से लोग निराशाओं में जीवन जीते हैं और उन्हें लगता है कि उनके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो इस सोच से एक व्यक्ति किस प्रकार से बाहर निकल सकता है, उसे ये जानना जरूरी है कि वो परमेश्वर के हाथों से रचा गया है, वो परमेश्वर के नजरों में खास है। कुछ बातें मैं पढ़ रहा था जो मुझे काफी अद्भुत लगी, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति किस प्रकार से समझ सकता है कि वो परमेश्वर के लिए खास है। पहली बात कि वो परमेश्वर के हाथों की रचना है, जैसे कि हमने पढ़ा भजन संहिता 139 का 14वां वचन। उसे ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर उसके साथ है, मत्ती 28:20। उसके जीवन के लिए परमेश्वर की एक उत्तम योजना है, यिर्मयाह 29:11। और उसके लिए परमेश्वर ने अनंत काल का एक स्थान रखा है, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 1:5। जब एक व्यक्ति इन सारी बातों को जानता है तब आपको लगता है कि वह निराशा में जीवन जिएगा, वह अपने आप को हारा हुआ समझेगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वह व्यक्ति अपने आप को जयवंत समझेगा। और इन सारी बातों को हम कैसे जान सकते हैं? मसीह के पास आके, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तब परमेश्वर अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से हमें भरते हैं। जब हम संगति में बने रहते हैं, जब हम उसके वचनों में अपना समय बिताते हैं, तब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कितनी बड़ी योजना रखी है, परमेश्वर ने हमारे प्राणों के लिए क्या किया है, हमारा उद्धार का कार्य किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया है। इन सारी बातों को जब हम जानते हैं तब हम विजयशाली जीवन जीते हैं। तो हमारा काम है कि हम उसके पुत्र के साथ यानी यीशु मसीह के साथ संगति में बने रहे, उसके लोगों से मिले, उसके वचनों में समय बिताए। जब एक व्यक्ति ये समझता है कि वो खास व्यक्ति है तब उसका जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसमें एक दृढ़ता आती है, एक साहस आता है और वो एक मानो एक विजयशाली जीवन जीते हुए परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन उसे जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति परमेश्वर में खास है। यीशु मसीह ने जो कार्य क्रूस पर किया है उस कार्य के द्वारा हमें एक खासियत मिले है, हम उसके पुत्र और पुत्री बने हैं। सो सुबह के समय मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जो भी बातें मैंने वचन में पढ़ते हुए जो आपसे कही, जो वचन, एक बार मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि वचनों को आप पढ़ लीजिए तो आप समझोगे कि परमेश्वर की कितनी गहरी योजना आपके जीवन के लिए है। और परमेश्वर सदैव आपके साथ है, वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं और ना ही त्यागता है। इस सुबह के समय प्रभु यीशु आपको आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।